की जाएगी। सोशल मीडिया पर सरकार और मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक पोस्ट वायरल करने वाले शख्स पर एफआईआर दर्ज हुई है। बताया जा रहा है कि मुन्ना यादव नाम के शख्स के खिलाफ ये एफआईआर नरही चौकी प्रभारी ने हजरतगंज कोतवाली में दर्ज कराई है। सरकार को बदनाम करने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश में ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो आपत्तिजनक पोस्ट वायरल करने वाले शख्स पर एफआईआर दर्ज हुई है। नरही चौकी प्रभारी ने एफआईआर दर्ज की है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश का आरोप लगा है शख्स पर। सोशल मीडिया पर भी ऐसा पोस्ट वायरल करने का आरोप लगा है जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। मुन्ना यादव नाम के शख्स के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल सोशल मीडिया के जरिए आपत्तिजनक पोस्ट वायरल किए जा रहे थे जिससे सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकता था और तनाव की स्थिति पैदा हो सकती थी। मुन्ना यादव नाम का ये शख्स है जिसने आपत्तिजनक पोस्ट वायरल किए हैं, बकायदा पोस्टर भी लगाए हैं जिसके खिलाफ अब कार्रवाई की गई है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लखनऊ के नरही थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। नरही थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज की गई है सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट वायरल करने वाले मुन्ना यादव के खिलाफ। पूर्वांचल विद्युत निगम के निजीकरण के प्रस्ताव को लेकर प्रदेश भर में बिजली कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार से फैसले को वापस लेने की मांग की। विद्युत कर्मचारियों का हल्ला बोल, निजीकरण का कर रहे विरोध, जगह जगह हो रहा विरोध प्रदर्शन, इंकलाब के नारे से गूंज उठा गाजियाबाद का आसमान। भारत माता की जय के साथ शुरू हुआ आह्वान कि निजीकरण का विरोध करते हैं। दरअसल यूपी में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का प्रस्ताव हुआ तो इसका शुरुआत में विरोध होने लगा। यूपी में बिजली वितरण कंपनी यूपी डिस्कॉम इस प्रस्ताव का विरोध कर रही है और इस विरोध प्रदर्शन में बिजली विभाग के 15 लाख कर्मचारियों ने प्रदर्शन का ऐलान किया। गाजियाबाद में बिजली कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया और कार्य बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन किया। पूर्वांचल विद्युत निगम के निजीकरण के विरोध में छोटे कर्मचारियों से लेकर जूनियर इंजीनियर, उप विभागीय अधिकारी, कार्यकारी इंजीनियर और अधीक्षण अभियंता शामिल है। इनका कहना है कि इस निजीकरण से कर्मचारियों के प्रमोशन में परेशानी तो होगी ही, इसके साथ ही उपभोक्ताओं को भी दिक्कत और घाटे का सामना करना पड़ेगा। वहीं वाराणसी में विद्युत कर्मचारियों ने BBVNL के निजीकरण के विरोध में कार्यालय पर धरना दिया और कार्य बहिष्कार का ऐलान किया। यहाँ भी कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कि फैसला वापस नहीं ले लिया जाता। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कर्मचारियों से विश्वासघात का भी आरोप लगाया। वहीं उनका तर्क है कि निजीकरण से आम जनता का ही नुकसान होगा। वहीं कानपुर में भी केस्को के कर्मचारियों ने PVVNL के निजीकरण के विरोध में कार्य बहिष्कार का ऐलान किया और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे, साथ ही चेतावनी दी कि अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो ये प्रदर्शन जारी रहेगा। आजमगढ़ में विद्युत कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान नाराज विद्युत कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार का ऐलान किया और खुले तौर पर निजीकरण का विरोध किया। बिजली कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार का असर भी देखने को मिला, जिससे देर रात से कई इलाकों की बत्ती गुल हो चुकी है, जिससे लोग परेशान नजर आ रहे हैं। पूरे प्रदेश के साथ साथ औरैया में भी इस कार्य बहिष्कार और प्रदर्शन का असर देखने को मिला। निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारी धरने पर बैठ गए और फैसला वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। इस प्रदर्शन का असर भी देखने को मिल रहा है। बिजली विभाग पूरी तरह से सुनसान हो गया है, जिसके बाद संविदा कर्मचारियों को काम पर लगा दिया गया है, तो वहीं बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है जिससे बिजली व्यवस्था में कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल निजीकरण के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं यूपी के कई शहरों को बिजली किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को बिजली विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों से बात करनी चाहिए और कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए जिससे बिजली की आपूर्ति में बाधा न पड़े और लोगों को किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।